चैप्टर 8 के आज हम उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो RSAT के एग्जाम में आते रहते हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सहायता डेस्क लागत को कम करना, ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, उत्पादकता बढ़ा देता है और उपरोक्त सभी। तो सिंगल साइन ऑन होता क्या है? सिंगल साइन ऑन एक ऐसा डैशबोर्ड है जहां पर आप बहुत सारे सुविधाओं को एक जगह पे काम कर सकते हो। ग्राहकों की संतुष्टि को भी बेहतर बनाने का काम भी सिंगल साइन ऑन से किया जाता है और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने का जो काम है वो भी सिंगल साइन ऑन से कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? ई मित्र का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, SSO में पंजीकरण के समय कौन कौन से माध्यम का आप उपयोग कर सकते हो? सिटीजन के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हो, उद्योग के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब भी आप SSO में पंजीकरण कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, जिनके माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ऑनलाइन बिल भुगतान करते समय के नंबर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि आप बिल पेमेंट करोगे तो के नंबर की इम्पोर्टेंट होगा ही। और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो है, SSO ID को हम अपने मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, कि स्टेटमेंट वन हमारा गलत है एंड स्टेटमेंट टू हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, SSO का पूरा नाम क्या है? SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रथम पहल है? कि भामाशाह कार्ड को सबसे पहले किसने बनाया था? तो भामाशाह कार्ड को बनाने की प्रथम पहल की थी वो की थी राजस्थान ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं, ई मित्र से, रोजगार विभाग की वेबसाइट से या ए और बी, ना तो ए ना ही बी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ई मित्र और रोजगार विभाग की वेबसाइट, दोनों ही माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों से ही आप पंजीकरण कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? एक नागरिक को पंजीकरण करने के लिए आधार कार्ड नंबर के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है और भामाशाह नंबर के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन होते हैं एक नागरिक के पास में रजिस्ट्रेशन करते टाइम में। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, ए और बी दोनों ही माध्यम से वो पंजीकरण कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? तो एक नागरिक को शिकायत दर्ज करने के लिए आप टोल फ्री नंबर से भी कर सकते हो, राजस्थान संपर्क के वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो और राजस्थान संपर्क के मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हो शिकायत दर्ज। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी माध्यम से हम राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, EPDS का विस्तृत नाम क्या है? EPDS का विस्तृत नाम है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकता है। आप ई मित्र से भी कर सकते हो, सिंगल साइन ऑन की ID से भी कर सकते हो या यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी माध्यम है जिनके माध्यम से आप विश्वविद्यालय का शुल्क भुगतान कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है डी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।